जयपुर में वेश्यावर्ती के लिए लाए थे, संबंध बनाया, विरोध किया तो कर दी हत्या। करदनी थाना पुलिस ने महिला सहित चार आरोपियों को किया गिरफ्तार। जयपुर में करदनी थाना इलाके में 2 जून को महिला के शव मिलने के मामले का बुधवार शाम को पुलिस ने खुलासा करते हुए एक महिला सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी पश्चिम अमित कुमार बुडानिया ने बताया कि वेश्यावर्ती कराने वाले आरोपी आसाराम स्वामी व राहुल अग्रवाल के साथ राहुल की बहन मनीषा व सुनील को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने 2 साल पहले भी एक महिला की हत्या कर शव को कालवाड़ इलाके में फेंक दिया था। आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी वेश्यावर्ती के लिए बाहर से युवतियां व महिलाओं को जयपुर बुलाते थे। पहले खुद शारीरिक संबंध बनाते थे, जो भी विरोध करती थी उसकी हत्या कर दिया करते थे। पुलिस ने 45 टीम बनाकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। 2 जून को करदनी थाना क्षेत्र में मंगलम सिटी रोड पर एक अज्ञात महिला की मृत शरीर मिला। जब मौके पर हम सब सारे अधिकारी लोग पहुंचे तो ये पता चला कि किसी महिला की हत्या करके उसके नंगे शरीर को सड़क किनारे डाल दिया गया है। महिला के चेहरों पर चोट के गहरे निशान थे, उसका चेहरा विक्षिप्त किया गया ताकि किसी कोई उसकी पहचान में परेशानी उत्पन्न हो, शिनाख्ती ना हो पाई। घटना की प्रवृत्ति संवेदनशील होने के कारण और उस वो जगह है वो सुनसान होने के कारण पुलिस के सामने एक आरंभिक समस्या ये थी कि जो अक्यूज था उसकी पहचान सुनिश्चित की जाए और जो पीड़िता है उसकी शिनाख्त भी की जाए। उसी वक्त कंट्रोल रूम के माध्यम से जयपुर वेस्ट के जितने भी थाने उसमें प्रशिक्षित जो 2 जवान जो सीसीटीवी देखने में एक्सपर्ट हैं उन सब को करदनी थाने में तलब किया गया। लगभग 38 जवान जो प्रशिक्षित हैं उन्होंने करदनी थाने में अपनी उपस्थिति दी। उसके बाद में डीएसटी टीम को भी मौके पर बुलाया गया। इसके अलावा कालवाड़ SHO, बुल्लीपुरा SHO, हमारे ACP साहिबान जो हैं झोटवाड़ा वो सब मौके पर पहुंचे, ADC सब मौके पर पहुंचे। उसी वक्त टीम गठन करके उस रोड पर जब पुलिस ने ये तलाश शुरू की कि उस रोड पर कहाँ कहाँ कैमराज लगे हुए, तो ये पता चला कि उस रोड पर किसी तरह का कोई कैमरा इस तरह का नहीं है। तो उस रोड से जुड़ने वाली जितनी भी लिंक रोड एंट्री पॉइंट पे हो सकती थी और एग्जिट पॉइंट पे जितनी भी लिंक रोड हो सकती थी, पुलिस ने टीमों को 2 भागों में, एक भाग में 22 टीम लगभग, एक भाग में लगभग 23 टीम बनाकर एंट्री और एग्जिट पर अलग अलग टीमों के इंचार्ज अधिकारी के माध्यम से सीसीटीवी कैमरा को हमने खंगालना शुरू किया। ऐसे संदिग्ध वाहनों की हमने सूची बनानी शुरू की जो लगभग रात के 2 बजे के आसपास उस रोड की तरफ एंट्री या एग्जिट कर रहे थे। चूंकि जो घटना का मौका मुआयना किया गया तो टायरों के निशान थे, उस रात को बारिश भी हुई थी तो पुलिस को लगभग अंदाजा था कि बारिश के खत्म होने के बाद में हत्या करके मृत शरीर को यहाँ पर डंप किया गया। उसी आधार पर हमने उस समय के बाद से कैमरा देखने शुरू किए। जब ये सारे कैमरे को इकट्ठा करने वाली टीम के माध्यम से सारी गाड़ियों का एनालिसिस कर लिया गया, लगभग 600 गाड़ियों का इस माध्यम से हमने पता किया कि वो उस एरिया के आसपास से उन एरिया से गुजरे। जब उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे गाड़ियों का हमने एवरेज समय नोट किया तो एक वाहन ऐसा संदिग्ध प्रतीत हुआ जिसने एवरेज समय से कुछ अधिक समय लिया। क्योंकि जिस वाहन का इस्तेमाल किया गया हत्या के बाद में उस मृत शरीर को डंप करने के लिए, उसका एवरेज समय से ज़्यादा समय लेना तय था। ऐसे में हमने उस संदिग्ध वाहन की तलाश के लिए फिर उसके पीछे पीछे कैमरा में सारी टीमें कैमरा चेक करना शुरू किया और रूट का एक विश्लेषण किया गया। ऐसे हम संदिग्ध जगह पर पहुंचे जहां से वो ओमनी वैन स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में जब उस जगह पे आसपास तलाशी की हमने और लोगों से पूछताछ शुरू की, सिविल में हमारी पुलिस टीम डिप्लॉय की ताकि हत्यारे हैं वो अलर्ट नहीं हो जाए, तो पता चला कि 2 संदिग्ध लोग यहाँ पर रहते हैं। जब उनके नाम के बारे में पता किया तो आसाराम स्वामी और राहुल अग्रवाल करके 2 लोग वहाँ पर रहते थे। इनके लिए टीम गठित करके इनको जब डिटेन किया गया तो उन्होंने हत्या की वारदात को पुलिस अनुसंधान के दौरान स्वीकार किया। इन्होंने जब इनसे और अधिक पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये महिलाओं से वेश्यावर्ती का काम करवाते हैं और उनसे अगर इस तरह का कार्य कराने से पहले ये जोर जबरदस्ती से शारीरिक संबंध बनाते, महिला द्वारा मना करने पर उसके साथ मारपीट करते हैं। इस महिला के साथ भी इन्होंने यही करते करने का प्रयास किया। उसी मारपीट के दौरान जब महिला ने और अधिक विरोध किया तो इन्होंने हत्या कार्य की और उसके बाद में उस पीड़िता की पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को हथियार से हमला करके उसको बिगाड़ दिया।